कि कोविड-19 की इस समस्या में ये जो अभी जो भी चल रहा है इसमें जो आपको वायरस के बारे में समझाया गया था, जितना भी कुछ बताया गया था वायरस के बारे में, और जो बात की गई थी कि वायरस का जो प्रकृति है वो रेप्लिकेट करने की है, और ह्यूमन इकोलॉजी इस वायरस को बहुत अच्छे से पसंद आई है। ये वायरस मानव सभ्यता में प्रवेश कर गया है, मानव पारिस्थितिकी में आ गया है, और इसने यहां अपना बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी कितने समय तक रहेगा, कुछ अभी तक जितनी महामारियां आई हैं उसमें केवल हम लोग स्मॉल पॉक्स से लड़ पाए हैं, इसके अलावा जितनी भी एपिडेमिक रही हैं उनमें हम किसी से लड़ नहीं पाए अभी तक। ये एक ऐसी महामारी आई है, ऐसी बीमारी आई है, ऐसी डिजीज को हम जोनोटिक डिजीज कहते हैं, जो एनिमल से हमारे अंदर आती है, और ये कब तक हमारे साथ रहेगी, कितने सालों तक रहेगी, और क्या हम इसका इरेडिकेशन कर पाए हैं, कर पाएंगे? अभी तो हम इसका इलाज ही नहीं ढूंढ पाए, इरेडिकेशन तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे हम इस बीमारी से जूझें, और क्या हम इस बीमारी के साथ स्ट्रगल करेंगे? कई लोग इस बीमारी को ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो है ये अभी कुछ दिन यहां रहेगी या 1 साल रहेगी या हमेशा रहेगी, इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो क्या हम इस बीमारी के साथ हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना पड़ेगा? कुछ लोगों को ये लगता है कि दूसरे वायरस की तरह नहीं है, जो आया और चला गया, फ्लू की तरह है, ऐसा नहीं है। ये वायरस अब बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। तो हम लोगों को यदि कभी ग्रुप में इकट्ठा होते ही यदि बार बार, अब आप 2020, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से 2020 को तो भूल जाइए, 2020 तो अब आपका लगभग कोई भी एग्जाम शायद बहुत अच्छे से ना हो पाए। विदेश जाना और विदेश से वापस आना ये बहुत दुर्लभ हो जाएगा। लोग 2019 को याद करेंगे कि 2019 हुआ करता था, एक ऐसा समय था 2019 का, बहुत ही इतनी एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट हो जानी है, हो ही गई हैं, क्योंकि इतने समय तक यदि डंप पड़ा रहेगा और बहुत ज्यादा समय तक यदि एयरलाइन जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं होती हैं तो बैंकरप्ट होने की संभावना पूरी होती है कि वो सारी की सारी बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद कौन उन विमान कंपनियों का संचालन कर पाएगा, कौन उनको खरीदेगा? तो इतने सारे विमान जो अभी पड़े हुए हैं एक जगह पर, जैसे डंप हालत में पड़े हुए हैं, तो क्या ये फिर से चल पाएंगे? तो दुनिया में जो हमारे लोग हैं जो बाहर फंस गए हैं उन सबको कैसे लाया जाएगा? इकोनॉमी की जो बात मैं आपको कल बता रहा था कि जैसे आप कहीं जाते हैं और आप रोज 2-3 कप कॉफी पीते हैं और अपने दोस्तों के साथ पीते हैं, अब 1 महीने 4 महीने अगर ये बंद रहता है कॉफी शॉप, तो क्या आप 1,000 2,000 500 कॉफी एक दिन में पी पाएंगे? तो ये जो माइक्रो एक्सपेंसेस हैं, ये माइक्रो एक्सपेंसेस बंद हो गए हैं, तो ऐसे में इकोनॉमी का क्या होगा? इकोनॉमी कैसे
चल पाएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो जिंदा रहने का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छी आदत के बारे में बता रहा हूं कि आज से आप एक अच्छी आदत डालिए। एक तो कम से कम 12 से 16 गिलास पानी पीने की आदत डालिए, गर्म पानी पीने की, कुनकुना पानी। अगर आपको इस युग में बचना है, इस जमाने में बचना है और बीमारी से बचना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप गर्म पानी पिए, गला साफ रहेगा, वायरस को टिकने की जगह। वायरस हो भी गया, लग भी गया आपको, कोरोना पॉजिटिव भी अगर आप हैं तो भी, और अगर नहीं हुआ है तो भी, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपना इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। तो एक घंटे के हिसाब से 1 बजे आपने 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास अगर नहीं पी पाते हैं तो थोड़ा सा कम कर लीजिए उसको, उसके बाद 2 बजे पीजिए, फिर 3 बजे। इसलिए जितनी देर आप जगे रहते हैं तब हर घंटे आपको पानी पीना चाहिए, 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस आप करते रहे तो धीरे 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 आप इन बीमारियों के प्रति एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेंगे। तो ये बहुत सरल सा एक उपाय आपको बताया जा रहा है, बहुत ही साधारण उपाय आपको बताया जा रहा है कि आप 1 गिलास पानी पीना शुरू करें, गर्म पानी, और एक एक घंटे के अंतराल पर पीना शुरू करें। इससे खाना आप जो है पौष्टिक खाना खाना है, और दाल खानी है, प्रोटीन खाना है, तो ये, और रोज आधा घंटा व्यायाम करें, योगा करने की शुरुआत करें और प्राणायाम करें, तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। और खास करके कोरोना के समय में और अपनी पढ़ाई का क्रम जो है वो जारी रखें। तो मैं 1 मिनट के लिए ये पॉज करूंगा। कहना हम ये चाह रहे थे कि एक तो आप इस समय में अपना ख्याल रखें, और दूसरा ये कि जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं। तैयारी की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ानी है क्योंकि अब जो आपको समय मिल रहा है इसमें प्रॉपर होमवर्क करें, हमें व्हाट्सएप करें और हमें बताएं। तो आज मैं आपको फिर से होमवर्क वहीं से शुरू करवा रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था। तो आज हम रिवाइज करेंगे 5-year plans को। तो आज थोड़ा सा नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और मैं एक के बाद एक 5-year plans के जो 1 by 1 slides हैं वो आपके सामने रखूंगा। अब काफी लोग जुड़ चुके हैं, 35 लोग आ गए हैं अभी, और धीरे धीरे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप लोगों में से सब जो है थोड़ा सा लैपटॉप पे आप जाकर के देखेंगे या अपने डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे तो आसानी से आपको अपना ईमेल मिल जाएगा। कई बार आप मोबाइल में चेक करते हैं तो उसमें नहीं मिलता। तो साउंड आ रही है? साउंड का कुछ लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है। साउंड तो आ रहा होगा, चैट बॉक्स में बता दीजिए आ रहा है ना। ओके, चलिए। तो तो 5-year plans इट वॉज बेस्ड ऑन हेराल्ड ओमर मॉडल प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका प्राइमरी एम था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, यानी कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। और एग्रीकल्चर गॉट बिटवीन रुपीज 300 crore to 400 crore आउट ऑफ बजट आउटले,
एक था उसका इसके साथ ही ये उद्देश्य कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि एक तरह का समेकित विकास कार्यक्रम था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात थी, 1952 में शुरू हुआ था। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन इसके गुलजारी लाल नंदा थे, और इसी समय में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए आप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जब कभी विकिपीडिया खोलेंगे तो काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, और आपको बताया भी गया था कि विकिपीडिया पे जाकर के आप देखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये है उसके बारे में, और यहां ये बताया गया है, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को ये बनाई गई थी। अभी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव है नरेंद्र मोदी। अब ये विकास परिषद की बात जब आई है तो आपको ये बता दें, यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये जो विकास परिषद है प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट वाज सेट अप ऑन 6 अगस्त 1952। ये करता था सपोर्ट फॉर द 5-year प्लान्स मेड बाय प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उसको ये मदद करता है। टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्पीयर्स। तो ये जो आपको बताया था कि इसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स और देयर सब्स्टिट्यूट्स, या तो चीफ मिनिस्टर खुद आते हैं इसकी बैठक में या अपनी जगह पर किसी को भेजते हैं। चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर उनके सब्स्टिट्यूट होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज यूटीज के एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, बिकॉज ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है वो अब नीति आयोग कहलाता है, तो उसके मेंबर। पर यहां इंटरेस्टिंग चीज ये है, इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, फर्स्ट मीटिंग वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 8 से 9 नवंबर 1952 को ये फर्स्ट मीटिंग है। 57 मीटिंग्स हेल्ड, और ये 57 नंबर की हुई थी 27 दिसंबर 2012 को, यानी 2012 को ये हुई थी विधान भवन में। तब से अब तक इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अब यहां देखिए कि इसके उद्देश्य क्या थे, इसके फंक्शन क्या थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य और इसके कार्यक्रम के बारे में आप देखेंगे तो टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये राज्यों के बीच सहयोग और प्लान को एग्जीक्यूट कराने में मदद करती है। टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान, ये जो 5-year प्लान होंगे इनके सपोर्ट में। एंड टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द ऑल वाइटल स्पीयर्स एंड टू एंश्योर द बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये जो सारी चीजें हैं ये कहां है, और अगर ये चीजें अभी नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है, क्या फंक्शन थे। अब ये देखिए, टू प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल प्लान इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्लान, टू कंसीडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द नीति आयोग। ये लिखिएगा, ये 6 फंक्शन यो के लिखिए और 4 ऐसा करके 10 पॉइंट जो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, ये नोट्स आपको बनाना, ये नोट्स ही है, सीधा सीधा नोट्स है, बाकी तो इंट्रोडक्शन है,
यहाँ तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो तो ये भी लिख देंगे तो पर्याप्त है, या थोड़ा सा लिख देंगे 1952 में बना था 6 अगस्त को, तो हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए। फिर फोकस ऑन एग्रीकल्चर, किसके ऊपर फोकस करने वाला था ये। प्राइस स्टेबिलिटी, फर्स्ट प्लान जो था 1951 से लेके 56 तक, इसने फोकस किया था एग्रीकल्चर पर। टारगेट था उस समय में 2.1% का, कि हम लगभग 2.1% के हिसाब से ग्रोथ करेंगे, लेकिन वाकई में ग्रोथ हुई थी 3.6% के हिसाब से, हमारे टारगेट से भी ज्यादा। और प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य की स्थिरता रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे नोट्स ही हैं, ये पॉइंट्स हैं। पावर एंड ट्रांसपोर्ट, मेजर डैम प्रोजेक्ट टेकन अप लाइक मैटूर बांध, हीराकुंड डैम, भाकरा डैम, ये तीनों पहली पंचवर्षीय योजना की देन है। कौन कौन से डैम? मैटूर डैम, हीराकुंड डैम, भाकरा डैम। इट वॉज ए सक्सेसफुल प्लान प्राइमरीली बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट इन द लास्ट 2 years ऑफ द प्लान। क्या फायदा हुआ? एकदम से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि एक तो हमारे सामने फेल्योर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और दूसरा हमारे यहां एक स्वतंत्रता संघर्ष के एक आदर्श थे और एक उत्साह था। तो स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श और उत्साह ने ये काम किया था, जिसकी वजह से हम इस प्लान में सबसे ज्यादा सक्सेस हुए। तो नोट्स आपको बनाना था, जिसमें हमने बताया था पहला पीसी महल नोबिस मॉडल। पीसी महल नोबिस मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा आपका, और उसमें ये 6 पॉइंट्स जो है, ये एक बनेगा आपका 5-year plan, फर्स्ट 5-year plan, और दूसरा सेकंड 5-year plan जो आप देख रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड महल नोबिस प्लान। पहला जो था उसको हम लोग हेराल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं, दूसरा प्लान कहा जाता है महल नोबिस प्लान। पीसी महल नोबिस, जिन्होंने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, इसके डिप्यूटी चेयरमैन थे। देखिए, डिप्यूटी चेयरमैन का अपना इंपॉर्टेंस है प्लानिंग कमीशन में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रहे और डिप्यूटी चेयरमैन भी रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम दोनों रूप में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो मनमोहन सिंह जब 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे, लेकिन पहले वो डिप्यूटी चेयरमैन भी रहे प्लानिंग कमीशन के। तो डिप्यूटी चेयरमैन वाकई में, दरअसल प्रधानमंत्री के तो अपने बहुत सारे काम होते हैं और वो बिजी भी रहता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक अलग तरह के प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बहुत अलग तरीके से बनाया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो उन्होंने देश की संरचना करने के लिए यहां आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा। मैंने हरिवंश राय बच्चन की किताब का एक हवाला आपको दिया था और आपको बताया था कि कैसे हरिवंश राय बच्चन ने
जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा था कि नेहरू जो है वो किस प्रकार से एक निजी तौर पर राष्ट्र को लेते थे, राष्ट्र का जो संचालन होना है वो उनके लिए एक निजी विषय था। देश जब स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को कहा था कि क्या दिल्ली आ सकते हो और तुम्हारी आवश्यकता क्या है, क्या क्या तुमको लगेगा और कौन सी चीजों की तुम्हें आवश्यकता होगी तो बता दो जरा, तो तुम्हारा वेतन निर्धारित कर लेते हैं और यही वेतन रहेगा आपका और आ जाइए। तो वेतन निर्धारित हो गया और हरिवंश राय बच्चन जो है वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उनको सबसे पहला काम दिया गया मंत्रालयों के नामकरण का, कि आपको मंत्रालय का नामकरण करना है और भारत में जितना भी साहित्य से जुड़ा काम होगा, जितना भी ज्ञान से जुड़ा हुआ काम होगा, ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ काम होगा, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाली जो जितनी भी चीजें होंगी, ये सारी तुम्हें करनी है। और उन्होंने कहा अपनी पोस्ट का भी एक नाम रख लो, न केवल अपनी पोस्ट का नाम रख लो बल्कि अपना वेतन भी बता दो कि लगभग कितने पैसे में तुम्हारा गुजारा चल जाएगा, उतना आपका सैलरी हो जाएगा। अब आप बताइए किसी आदमी को, ये उनके आत्मकथा में है, तो किसी व्यक्ति से जब इस तरह की चीजें कही जा रही है, ऐसी बात की जा रही है, तो कितना निजी तौर पर इस देश को बनाने की बात होगी। पहली बार के बारे में जब बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रोज शाम को अपनी कार लेके निकल जाते थे और उसमें वो लोगों से कहते थे कि अपनी कार के पिछले जो दोनों कांच थे वो खोल दिए जाते थे और उसमें लोगों से आह्वान किया जाता था कि आप जो कुछ भी डोनेशन देना चाहते हैं आप इसमें दीजिए, आप इसमें लोग सोने चांदी से भरी पोटलियां रुपया कपड़े में बांध करके उनकी कार में पीछे की सीट पर फेंक दिया करते थे। वही एक तरह का रेवेन्यू का कलेक्शन था, वही टैक्स का कलेक्शन था। उसी पैसे से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। उस व्यक्ति ने निजी तौर पर इस देश को लिया, एक निजी तौर पर इस देश को खड़ा किया। आप पढ़िए जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस की किताबें मत पढ़िए कि कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से महिमा मंडित करती है या जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने अपने बारे में क्या लिखा है या और किसी ने उनके नजदीकी उनके सेक्रेटरी ने क्या लिखा है या किसी चापलूस ने क्या लिखा है। आप पढ़िए लोगों की आत्मकथा है, उस समय के जो कार्यकर्ता थे, उस समय के जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों की आत्मकथाएं पढ़िए, उन लोगों की उपन्यास पढ़िए, उस समय के इतिहास को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि निजी तौर पर देश को लेना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी अपना पूरा परिवार छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, लेकिन क्षमताओं का आकलन करना आना चाहिए ना। आज की जो समस्या आ खड़ी हुई है, आज हमको जितने वेंटिलेटर की जरूरत है, जितने मास्क की जरूरत है, जिस तरह के एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि इस महामारी के लिए कोई भी तैयार नहीं था, हम ये नहीं कह सकते कि भारत तैयार नहीं है, दुनिया का कोई भी देश इतनी बड़ी एपिडेमिक के लिए तैयार नहीं है, कोई भी देश तैयार नहीं,
कोई किसी की हिम्मत नहीं है इस महामारी के सामने खड़ा होने की, लेकिन ऐसे समय में हम प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी, महामारियां आएंगी, वायरस के जो प्रकृति है वो परेशान करने वाली प्रकृति है, वायरस परेशान करता है, तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन इन समस्याओं से जूझना भी हमें आना चाहिए। हमें आना चाहिए कि क्या हम ये जो सारी परिस्थितियां बन रही है इनसे निपट सकते हैं। तो हमको वेंटिलेटर की भी जरूरत भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत भी है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी है। डेफिनेटली जब ज्यादा समस्याएं आती हैं तो हम लोग भी, हमारे परिवारों में हम थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, कैंसर आ जाता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन आ जाता है, तो हमको भी उधार लेना पड़ता है, हमको भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये तो है कि हम आपात परिस्थिति के लिए उतने तैयार नहीं हैं, लेकिन जो मैंने आपको अभी अमेरिका का हाल बताया कि उसको लाखों की संख्या में वेंटिलेटर लगेंगे, हजारों की संख्या में वेंटिलेटर लगेंगे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या ऐसे में हम मुकाबला कर पाएंगे? तो भारत जैसा देश कैसे मुकाबला कर पाएगा जब इतने बड़े बड़े देश जो कि हेल्थ इंडेक्स में, हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊपर आते हैं, उनके हालात ऐसे हैं, तो फिर हम कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए एक दूरदर्शिता की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक विजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री और योजनाकार और ऐसे जो सारे लोग हैं उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं और ठीक से समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्था में चूक कर रहे हैं और उसका खामियाजा मानव समाज को भुगतना पड़ेगा। इसलिए दूरदर्शिता, ज्ञान, इन सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोग लेते हैं अगले प्लान को, सेकंड फाइव ईयर प्लान में आपने देखा कि किस प्रकार से पीसी महालनोबिस के नाम से प्लान जाना जाता है, और ऊपर आपने नोट्स बनाए हैं। इसके डिप्टी चेयरमैन थे वीटी कृष्णमाचारी, इसने फोकस किया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज की बात की है, भारी उद्योगों के बारे में बात हुई है उसके ऊपर, यानी तीव्र औद्योगिकरण, इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र औद्योगिकरण। पब्लिक सेक्टर वाज इंक्रीज्ड, यानी कि डेफिनेटली आप तो जानते ही हैं कि नेहरू जो थे वो प्राइवेट सेक्टर को उस तरह से मदद नहीं करते थे और ना ही वो उतनी सुविधाएं देने के पक्ष में थे उस समय में। और आपने देखा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था रामनाथ कोविंद का, जिसमें चार प्रकार की चीजों का जिक्र आया था। मैं वो आर्टिकल फिर से खोलना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि यहां आपको वो आर्टिकल यदि आप देखेंगे रामनाथ कोविंद का, तो द हिंदू में आर्टिकल था, आप सर्च कर लीजिएगा रामनाथ कोविंद के नाम से। COVID-19 के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। द हिंदू आर्टिकल है, कोरोना वायरस के ऊपर लिखा है, लिखा है COVID-19 व्हाट नेचर सीम्स टू बी टेलिंग अस, वो क्या कहना चाह रही है। एक तो
क्वारंटाइन की बात इन्होंने कही है, क्वारंटाइनिंग वन सेल्फ। एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही है ये वाली, अगर आप इसको समझ सकें, सॉरी ये शायद एड आ गया है, अगर आप बात को समझ सकें तो जूम करने पे दिक्कत आ रही है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यही तो बात कही जाती है, इक्वालिटी मे बी फैक्टर लेस अपेरेंट बट नेचर टेल्स अस दैट वी आर ऑल इक्वल, हम सब बराबर हैं। यही बात तो समझाने की बात कही जा रही थी। अभी तमाम आंदोलनों में सरकार को भी, जब एनआरसी सीए चल रहा है और ये सब जो तमाम समस्याएं चल रही हैं, तब यही चीज बताने की बात की जा रही थी कि इक्वालिटी की बात करो, सब बराबर हैं, पूरी दुनिया एक है, दुनिया में कोई अलग नहीं है। ये जो सारी समस्याएं खड़ी हो रही है दुनिया में अलग अलग मायने से, तो उन्होंने कहा, राष्ट्रपति लिख रहे हैं कि दिस न्यू वायरस स्ट्राइक्स बियॉन्ड मैन मेड डिस्टिंक्शंस ऑफ रिलीजन रेस एंड रीजन। ये लो आ गई बात, वही वाली चीज। इसका प्रिंट एडिशन निकाल लेते हैं तो शायद प्रिंट फॉर्मेट में एकदम से क्लियर हो जाएगा, फालतू एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे। आप लोग भी कर लिया कीजिएगा, जब कभी भी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंट वाला निकाल लीजिएगा, उससे आप ये आ जाएगा आपके सामने। और इसको आप जब यहां पढ़ना शुरू करेंगे तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो पहली चीज उन्होंने कही कि ये जो रिलीजन रेस और रीजन क्षेत्र के आधार पर, अब क्षेत्र जब रोहिंग्या की बात हो रही थी या जितना भी कुछ बात हुई है अभी अभी नागरिकता के ऊपर, यही तो बात है कि आप रीजन वाइज गड़बड़ कर रहे हो, रेस वाइज गड़बड़ कर रहे हो, रिलीजन वाइज गड़बड़ कर रहे हो। अब आपने कहा कि इसमें ये लोग नहीं आ सकते, उसमें वो लोग नहीं आ सकते, अगर हिंदू आएंगे तो इनको हम नागरिक मान लेंगे, अगर ये आएंगे तो नहीं मानेंगे, इस रीजन से आएंगे तो नहीं मानेंगे। ये वायरस सिखा रहा है, ये COVID-19 सिखा रहा है, दिस न्यू वायरस स्ट्राइक्स बियॉन्ड, अब ये कुछ नहीं देख रहा है, ये सबको बराबरी से व्यवहार कर रहा है। द वर्ल्ड हैज बीन बिजी ड्राइंग डिस्टिंक्शंस एंड वेगिंग वॉर्स ओवर अस वर्सेस देम, अस वर्सेस देम। कितनी बड़ी चीज लिखी, ये राष्ट्रपति लिख रहे हैं हमारे। अब वो आरएसएस से आते हैं, अब सुन ले सब एनआरसी वाले सीए वाले सब जो समर्थक हैं वो सुन लें इसको, अस वर्सेस देम, हम और वे, हम और वे के ऊपर बात चल रही है। बट वी सडनली रियलाइज दैट इन द फेस ऑफ ए ग्रेव मॉर्टल थ्रेट लाइक दैट लाइक द प्रेजेंट वन, वी आर आउट ऑन वन आइडेंटिटी, वी आर ह्यूमन बीइंग। एक ही आइडेंटिटी है हमारी कि हम मनुष्य हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज हमको बता रही है कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरी दुनिया, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत डिक्टम है, वसुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स द होल वर्ल्ड इज बट ए फैमिली, यानी कि वसुधा पूरी की पूरी एक परिवार है। टुडे इट टर्न्स आउट टू बी ट्रूर देन एवर बिफोर, ऐसा कभी हुआ नहीं। वी रियलाइज हाउ डीपली ईच ऑफ वन ऑफ अस इज कंसर्न विथ एवरीबॉडी एल्स, आज किसी को कह नहीं सकते हो, वी आर एज सेफ एज वी टेक केयर of the safety of others। हम केवल अपनी सहूलियत या हम खुद को सुरक्षित नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम बोल रहे नहीं आप सुरक्षित रहो, आप घर में रहो, आप घर से बाहर मत जाओ, लॉकडाउन है, क्यों बाहर जा रहे हो? अरे आपको बड़ी चिंता है, आपको दूसरों की बहुत चिंता पड़ी है, क्योंकि आपको अपनी चिंता है इसलिए आपको दूसरों की चिंता है, आपको पता है इसको इन्फेक्शन होगा तो मुझे होगा। ये है कमाल की चीज।
ये बहुत बड़ी चीज है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमको पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बता रहे हैं। पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं, एक्सक्लूसिव ग्रोथ पे नहीं दे रहे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, सबका साथ सबका विकास उसको कहते हैं, उसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास इसको नहीं कहते, ये एक्सक्लूसिव ग्रोथ है। केवल अंबानी को और अडानी को बढ़ाना एक्सक्लूसिव ग्रोथ है। सबका साथ और दो का विकास, अंबानी का विकास और अडानी का विकास, बस दो लोगों का विकास और साथ सबका, यानी कि टैक्स सब लोग दें और दो लोगों को हम बैंक से लोन देंगे और दो लोगों को फायदा देंगे। तो अब ये दो लोग क्या हैं? सुपर रिच लोग हो गए ये। तो क्या ये सुपर रिच टैक्स लगाएंगे? अब जब पूरे देश में आपदा आई हुई है और अभी पैसों की जरूरत है, तो क्या इन सब लोगों से पैसे पैसे वापस लिए जाएंगे जो इनको दिए हैं, या जो लेके भाग गए हैं उनसे पैसा लिया जाएगा? नहीं, हम इनसे पैसा नहीं लेंगे। तो रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति हैं हमारे, और ये बता रहे हैं कि हमको दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल करना है, सेफ्टी ऑफ अदर्स, नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बीइंग बट आल्सो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये लो आ गया अब आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी इसी में छुपा हुआ है। पौधे की भी रक्षा करनी है, पौधों की भी करनी है। पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो गई हम अडानी के उसके प्लांट के लिए, छत्तीसगढ़ के जंगल साफ कर दिए, आदिवासियों को बेदखल कर दिया। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के बारे में बात करें, फेस विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस, मोस्ट पीपल टेंड टू बी सेल्फिश, अधिकांश लोग सेल्फ। अब ये कौन है सेल्फिश? एंटिलिया बनाने वाला होगा ना सेल्फिश, बट दिस इज अ क्राइसिस दैट टीचेस अस टू थिंक इक्वली ऑफ अदर्स। ये लो भैया, अब आप ग्लोबली सोचिए, इक्वली दूसरों के बारे में सोचिए। तो द वॉलेंट्री सर्विस थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन आर नॉट इनकरेज ड्यू टू हाईली कंटाजियस नेचर ऑफ डिजीज। देर आर मेनी वेज इन विच पीपल कैन हेल्प कंटेन एंड मिटिगेट द वायरल स्प्रेड। Every citizen can contribute towards raising awareness and equally by refraining from spreading panic, taking prudent precautions advised by the government. Those who can should also share resources, especially with less resourceful neighbors and senior citizens who are vulnerable to disease. अब ये बता रहा है कि जो बहुत कम रिसोर्स जिनके पास हैं, ऐसे आपके पास में अगर कोई लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, खाने की सुविधाएं नहीं है, जिनके पास दवाइयां नहीं है, और सीनियर सिटीजन जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस डिजीज के लिए, उनका हमको ख्याल करना है। सो द कोरोना वायरस चैलेंज अंडरस्कोर्स द नेसेसिटी ऑफ फॉर एक्शन इज एब्सेंस ऑफ क्राइसिस। ये जो चीज है ये हमको सिखा रही है। दूसरी चीज बता रही है, नेचर इज रिमाइंडिंग अस टू एक्नॉलेज विथ ह्यूमिलिटी और क्विटेंशियल इक्वालिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। इट इज अ लेसन इंपार्टेड एट अ हैवी प्राइस दैट विल कम हैंडी इन मिटिगेटिंग ग्लोबल चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंज एज वेल एज बिल्डिंग अ बेटर कॉमन फ्यूचर। In the meantime, I join you refraining ourselves or resolve to come out the present crisis at the earliest stronger than ever as a nation. तो ये बताना चाह रहे हैं रामनाथ कोविंद इसमें कि हमको जो शिक्षा मिल रही है वो ये मिल रही है कि हमको एक तो नेचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, मदर अर्थ का, प्रकृति का हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और हम सब जो हैं वो एक हैं, और ये पेंडेमिक जो है ये सबके लिए है, और एक क्लीनलीनेस का भाव होना चाहिए। गांधी जी ने जो है
वो हमको एक स्वच्छता का सिद्धांत दिया है, स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन क्लीन इंडिया जो हमारा है, ये हमको सिखाता है कि हमें स्वच्छता, तो ये बीमारी जो आई है COVID-19 ये हमें कई तरह की बात बताती है। ये हमें बताती है एक तो स्वच्छता के बारे में, एक ह्यूमैनिटी के बारे में, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं। ये हमें ले जाता है वहीं पे फिर से सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ, या क्यों प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए, क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए पब्लिक सेक्टर का। तो आप देखिए कि इस समय में सेकंड 5 ईयर प्लान के समय में फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज पर, पब्लिक सेक्टर वाज इनकरेज्ड। मैं इस लाइन के लिए बात करना चाह रहा था कि पब्लिक सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, और इन द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल डोमिनेटेड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को डेवलप किया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस समय में आया था, TIFR आया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, स्टील प्लांट्स आए थे दुर्गापुर के, जमशेदपुर के, भिलाई के, आपने इन स्टील प्लांट की, अधिकांश जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो सब हमारे नवरत्नों में, मिनी रत्नों में, महानवरत्न में, उनमें चली गई, और शिफ्टेड बेसिक इंफेसिस ऑन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फॉर टू सून। इतना जल्दी, अब आप देखिए हम बार बार बोलते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया, हम मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर गए। मैन्युफैक्चरिंग को स्किप करने का नुकसान हमको हुआ, और हम लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते रह गए। लेकिन ये देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान में, हालांकि टारगेट ग्रोथ थी 4.5% जो 4% तक रही, लेकिन ये एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट करने के कारण कुछ फायदा हुआ। ड्यूरिंग दिस प्लान प्राइसेस इंक्रीज बाय 30% अगेंस्ट अ डिक्लाइन ऑफ 13% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, तो प्राइस कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा नहीं हो पाया। आ जाइए थर्ड पे। एट इट्स कंसेप्शन इट वॉज फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैज एंटर्ड ए टेक ऑफ स्टेज। इस समय में वो समय था जब हम लोग टेक ऑफ की स्थिति में थे। Therefore, its aim was to make India a self-reliant and self-generating economy. हम खुद में एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर एक अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे थे, जो हम स्व उत्पादन की तरफ जाना चाह रहे थे। और based on experience of first two plans, agriculture was given top priority to support the exports and industry. So, agriculture को हम लोगों ने top priority पर, PM till 1964 was Pandit Nehru and then till 1966 was Shri Lal Bahadur Shastri, यही रहा। और इसका कारण रहा कि ये जो थर्ड प्लान है ये 1961 से लेकर 66 तक अपना ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाया। और उसका कारण क्या है, उसका कारण था वॉर, सूखा, अकाल। टारगेट था 5.6% का और ग्रोथ हुई 2.4%। इसके बाद प्लान हॉलीडे आता है 3 साल का, जिसको हम 3 एनुअल प्लान्स कहते हैं। 66 से 69 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, वो योजना अवकाश का आ जाता है 3 साल का। और उसका कारण था ये, इधर जो आपने 3 कारण देखे, इसके बाद आपने देखा कि इस बार उन्होंने तय किया कि हम जो है क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज के कारण जो है हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एनुअल प्लान्स। वार्षिक योजनाओं के रूप में हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे और 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे। तो क्या हुआ,
During these plans, a whole new agricultural strategy was implemented. It involving widespread distribution of high-yielding varieties of seeds, extensive use of fertilizers, exploitation of irrigation potential and soil conservation. During the annual plans, the economy absorbed the shocks generated during the third plan. So, jo third plan ke samay mein hum logon ne shock dekha tha ki 5.6% ka target growth tha aur actual growth hogi 2.4%. Wo hum logon ne annual plan ke duran isko complete karne. It paved the path for the plant growth ahead. So, phir se ek नया प्लान आया इंदिरा गांधी का समय था और मैन एम्फेसिस ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू इनेबल अदर सेक्टर्स टू मूव फॉरवर्ड मिसेज इंदिरा गांधी वाज द पीएम फर्स्ट टू इयर्स ऑफ द प्लान वाज प्लान सॉ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ये था हरित क्रांति का समय आप जानते हैं इस समय में हरित क्रांति जो है वो लाई गई थी और दो नाम हम लोग पढ़ते हैं भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर स्वामीनाथन उन्हें हम भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं तो इंडियन फाउंडर और वर्ल्ड में जो ना जाने जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तो इस समय में इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजी बिफोर एंड आफ्टर 1971 इंडो पाक वॉर वाज एन इम्पोर्टेंट इशू दैट रिक्वायर्ड पॉलिसी मेकर्स अटेंशन द फिफ्थ प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीडी दर तो ये पांचवा प्लान जो आया है अब ये इसके जो रचयिता थे एक तरह से डीडी दर इसने क्या किया गरीबी हटाओ का नारा इस समय में दिया गया था इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम और गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस तो मिसेज इंदिरा गांधी वाज द पीएम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड गरीबी हटाओ और एक था promotion of high rate of growth, better distribution of income and significant growth in the domestic rate of saving. The plan was terminated in 1978. क्यों 79 के बजाय 78 में क्यों हो गया क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो 78 तक ही ये प्लान चल पाया और इस बार जो आया था नया प्लान उसको हम लोग बोलते हैं रूलिंग प्लान 1978 से 80 तक जो प्लान था वो था रूलिंग प्लान तो जनता गवर्नमेंट ने सिक्स प्लान के रूप में 1978 से 1983 के बजाय उन्होंने टू ईयर के लिए एक रूलिंग प्लान चलाया और एज द कांग्रेस गवर्नमेंट रिटर्न टू पावर इन 1980 डिफरेंट प्लान जो आया सिक्स प्लान वो था 1980 से 85 वाला सिक्स्थ प्लान इसका फोकस था इंक्रीज इन नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंश्योरिंग कंटिन्यूअस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना यानी कि गरीबी और बेरोजगारी को कम करना पॉपुलेशन कंट्रोल तो फैमिली प्लानिंग आ गया था इस समय में फैमिली प्लानिंग हालांकि इमरजेंसी के समय में बहुत विवादास्पद रहा था और लोगों ने बहुत आलोचना की थी कि ये जो हो रहा है ये कितना नुकसानदायक है हमारे लिए और आपको पता है उस समय में संजय गांधी बड़े बदनाम हुए थे लेकिन इसकी सफलता भी इसी में है कि इसने काफी हद तक जो है वो जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद की थी तो ये इट मार्क्ड इन अ सेंस अ डिपार्चर फ्रॉम द नेहरूवियन मॉडल Minor economic reforms were started. Shri Rajiv Gandhi was the PM during this plan period. जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 84 में और राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने इस समय में बहुत सारे
छोटे छोटे आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। उनका फोकस था सेवंथ प्लान में राजीव गांधी का, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्टिविटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक टेनेट्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह सकते हैं राजीव गांधी को, क्योंकि भारत में जो कंप्यूटर क्रांति है, टेलीकम्युनिकेशन क्रांति है, सैम पित्रोदा की जो बात आती है कि उन्होंने उस समय में टेलीकम्युनिकेशन में बहुत कुछ कर दिया था, ये सारी की सारी चीजें इसी समय में हुई। द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल, ही वॉज ए मॉडर्निस्ट, राजीव गांधी को एक मॉडर्निस्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल एज द इकोनॉमी रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5%। अब यहाँ आप देखिए, सिक्स प्लान में 5.2% था तो 5.4% रिजल्ट आया, और जब टारगेट ग्रोथ रखा गया 5% तो 6.1% एक्चुअल ग्रोथ हुई थी। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये बहुत अच्छी रही। और फिर प्लान हॉलीडे है दो साल के लिए, प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स क्रिएटेड द नीड फॉर ए प्लान हॉलीडे एंड ओनली एनुअल प्लान्स वर मेड। तो एनुअल प्लान बनाए गए फिर 1990 से 1992 तक। आपको पता है इस समय में एक तो USSR जो है वो कोलैप्स्ड हो गया था 1990 में, इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत अनसर्टेन थी, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, आपने देखा होगा उस समय चंद्रशेखर, वीपी सिंह, और जो है बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। देवेगौड़ा में तो बाद में बने थे, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी। ऑल दीज फैक्टर्स हैड सिग्निफिकेंटली डिरेल्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उस समय में बहुत दिक्कत आई। देन जो फाइनली हम लोग आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, जो कमाल की चीज थी भारत के लिए, वो है एट्थ प्लान। एट्थ प्लान 1992 से 1997, और ये पोस्टपोन रहा दो साल के लिए। पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने, और इस समय में प्लानिंग कमीशन के समय में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो थी वो हमारी हाई इन्फ्लेशन हुआ था 1990 से लेकर के 91 तक, महंगाई भी बहुत बड़ी थी और बहुत सारे के इश्यूज थे। तो प्लान अंडरटूक ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर्स टू कॉम्बैट द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड टू अंडरटेक एन एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ 5.6% जो हमने की थी। इट सक्सेडेड इन एक्सीडिंग दिस टारगेट। कितना हुआ एक्चुअल ग्रोथ? 6.78%। हमारा एक्चुअल ग्रोथ हुआ 6.78%, जबकि टारगेट ग्रोथ था 5.6%। जस्ट लाइक चाइना इनिशिएटेड इट्स रिफॉर्म्स इन 1979 अंडर डेंग जियापिंग, इंडिया इज पैरेलल इन दिस पीरियड एज मिस्टर राव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की शुरुआत जो है 1979 में डेंग जियापिंग के टाइम चाइना में हुई थी। अब वो ये देख लीजिए डिफरेंस है थोड़ा सा, कि हम लोग लगभग 12-13 साल बाद जो है वो ये एलपीजी को लेके आ रहे हैं। एलपीजी चाइना हमसे आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वो 1979 में एलपीजी को लेके आ गया, और हम लोगों की जो नीति रही वो जवाहरलाल नेहरू की नीति थी कि हम लोग केवल प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर को ही सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को उतना नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने हमसे पहले प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेके आ गए। सो द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी कैन बी फेल्ट इन ऑल ईयर्स फ्रॉम हियर ऑन। सो मेन इकोनॉमिक आउटकम्स ड्यूरिंग एट प्लान पीरियड, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई क्योंकि एलपीजी के कारण बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत आया, एफडीआई बहुत आया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होने के कारण हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ और एलाइड सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ये बहुत डेवलप हुआ। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इंप्रूवमेंट इन ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड जंप इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो है बहुत ज्यादा, यानी कि अनाज उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा जंप हमने उस मामले में किया। इस वजह से हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो एट प्लान की। आइए बात करते हैं नाइन्थ प्लान में। 97
से लेके 2002 तक जो प्लान चला था उसका नाम है नवीं पंचवर्षीय योजना। ये वो समय था जब हम 50 वर्ष मना रहे थे स्वतंत्रता के, तो इंडियाज 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस समय में हम लोगों के सामने एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करें और आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखिए कुछ अलग प्रकार के उद्देश्य हैं इस बार, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो बदल गए। 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, इन सब चीजों को आप नोट भी कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम हमारी आज की जो गुरुवार की क्लास है उसमें कन्वर्ट कोशिश करने की कोशिश करें, तो आप शायद इसको YouTube पे भी आप इसको देख पाएंगे और रिपीट भी कर सकते हैं। तो जो लोग आज अटेंडेंस नहीं दे पाए हैं वो लोग आज इसको YouTube पे देख पाएंगे, आप उनको बता दीजिएगा तो वो हो सकेगा। और ये सक्सेसफुल प्लान माना जाता है कुल मिलाकर के। और मेन गोल था 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम। इस समय में 8% ग्रोथ पर एनम की हम लोगों ने कोशिश की थी 10th प्लान के दौरान, 2002 से लेके 7 के बीच, यानी 2002 से 7 तक जो प्लान था उसमें हमने 8% का लक्ष्य रखा था, लेकिन हम लोग पहुंचे थे 7.7%। और इस समय में एक साल जो सरकार रही थी वो आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, और बाकी समय में जो सरकार थी वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। और दिस पीरियड कंसाइडेड विद पीरियड ऑफ हाई ग्लोबल ग्रोथ एंड सीमिंग विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक मॉडल, द पीएम वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेशियो by 5% points by 2007, तो 2007 तक 5 percentage points जो है वो घटाना गरीबी का। Providing gainful high quality employment to the labor force over the 10th plan period. This factor by now a prime concern for Planning Commission, universal access to primary education by 2007. तो आपने देखा इस समय सर्व शिक्षा अभियान और ये सब चरम पर पहुंच गए थे, मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा था, तो सारे के सारे प्लानिंग कमीशन, रिडक्शन इन जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेज रेट्स बाय एटलीस्ट, तो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश की गई है। रिडक्शन इन डिकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 एंड 2011, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट टू 72% विद इन द प्लान and 80% by 2012, reduction of infant mortality rate to 45 per 1000 live births by 2007 to 28 by 2012, increase in forest and tree cover, तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि हम forest cover area, tree cover area बढ़ाएंगे, and all villages to have sustained access to potable drinking water by 2012, cleaning of all major polluted rivers by 2007. तो बहुत सारी चीजें थी इसमें कि हम लोग नदियों को भी साफ करेंगे, हम फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाएंगे, हम ड्रिंकिंग वाटर को भी करेंगे, तो मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करेंगे और लिटरेसी रेट को भी बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें थी। देन अगला जो 5-year प्लान है वो है 11th 5-year प्लान, जो लास्ट 5-year प्लान था, आप जानते हैं इसके बाद 5-year प्लान एंड हो गया था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 15 वो फिर संपन्न नहीं हो पाई। तो हम बात करें जरा इस 5-year प्लान के बारे में, जिसमें हमने टारगेट ग्रोथ रखा था 2007 से 12 में 8.3%, इससे पहले टारगेट ग्रोथ था 8.5
8.1%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुई 7.7% तक। तो ओवरऑल इसको भी एक सक्सेसफुल प्लान माना जाता है। 11th प्लान जो है, इसमें टारगेट ग्रोथ था 8.3% और एक्चुअल ग्रोथ रहा 7.9%। बियॉन्ड बाय द लास्ट प्लान सक्सेस, ए गोल टू एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 8% टू 10% वाज सेट। इंक्रीज एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ रेट टू 4% पर ईयर, द पीएम वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय में फिर से। और इस बार ड्रॉप आउट रेट जो है वो बच्चों का स्कूल से, वो हमने गिराने में काम किया कि हम ड्रॉप आउट रेट जो था स्कूल से 52% 2003-04 में, उसको 20% किया 2011-12 में। और इंक्रीज लिटरेसी रेट फॉर पर्संस ऑफ एज 7 years और अबव टू 85%। तो लिटरेसी रेट पे काम हुआ, ड्रॉप आउट रेट जो है उसको, और अनस्किल्ड वर्कर्स को उसके रियल वेज को बढ़ाने का काम किया। रिड्यूस इन्फांट मोर्टेलिटी, रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1%। तो ये कुछ कलेक्टिव बहुत सारी चीजें थी, एंश्योर दैट एटलीस्ट 33% ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स आर वुमन एंड गर्ल चिल्ड्रन। एंश्योर ऑल वेदर रोड, रोड वाला जो काम आपको पता है कि जिसके लिए जाने जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये सारी चीजें इस समय में हुई। भारत निर्माण ये आगे बढ़ाई गई, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया गया 2007-12 में। और इस समय में एक और बड़ा काम जो हुआ वो भारत निर्माण परियोजना। तो भारत निर्माण जाकर के आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो उसमें उसके 6 points आ जाएंगे भारत निर्माण के। अब विकिपीडिया पे सर्च करेंगे भारत निर्माण तो ये 6 points जो है आप यहाँ 2007-12 वाले में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इन 6 points को आप लिख लीजिएगा। ये थे 6 points। पहला था वाटर सप्लाई और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाउसिंग, टेलीकॉम। तो वाटर सप्लाई, हाउसिंग, टेलीकॉम, एक और था और इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, एक वाटर सप्लाई हो जाएगा, एक हाउसिंग हो जाएगा, एक रोड्स हो जाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और एक इरिगेशन हो जाएगा। तो ये 6 projects हैं जैसे कि इरिगेशन, रोड्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये फैक्ट, ये जो था ये भारत निर्माण के नाम से, इसने बहुत बड़ी क्रांति उस समय में की। ये वही समय था और 12th 5-year प्लान का तो आप जानते ही हैं कि वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद हम नीति आयोग लेके आ गए। तो ये एक चार्ट है 1st plan का और कब कब कितने कितने ग्रोथ रही। तो 12th plan तो ये आपका अधूरा है और ये ग्रोथ टारगेट और ये था एक्चुअल। तो इस तरह से यदि आप देखें तो हम लोगों ने ये एक समरी देखी है। अब आप इसको समरी के रूप में पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। पॉइंट्स के रूप में जब आप इसको इस रूप में तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आप इसको मेंस में बहुत अच्छे से पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में आपके सीधे प्रश्न जो है इसे टकराएंगे, जिनका जवाब आप दे पाएंगे। तो आज की जो पूरी बात की है हमने, एक तो पूरा योजनाओं का इतिहास है कि कैसे योजनाएं बनी और योजनाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, और जब ये आप COVID-19 का क्राइसिस देख रहे हैं ऐसे समय में इन योजनाओं का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप इस समस्या को समझ पा रहे हैं तो बहुत आपदा वाली परिस्थितियों में
पहले से आपदाओं की समझ होना बहुत जरूरी है, प्रशासनिक अधिकारी के लिए तो बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि जब किसी को समझ में नहीं आ रही तो हमको कैसे आएगी, हम कैसे समझेंगे? नहीं, आपको समझना होगा, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको परिस्थितियों का ख्याल होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप अधिकारी नहीं है, फिर आप प्रशासन की समझ नहीं रखते, फिर एक पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ नेतागिरी को, जिसको हम लोग शासन कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें इलेक्टेड लोग आते हैं और प्रशासन में सिलेक्टेड लोग आते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, एग्जामिनेशन से सिलेक्ट होते हैं। उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है कि वो ग्रेजुएट होंगे, अलग अलग स्ट्रीम में ग्रेजुएट होंगे। आप जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं आप रहिए, लेकिन आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कीजिए, समझ रखिए, प्लानिंग की समझ रखिए। देखिए, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सारा जो फेल्योर हमारे सामने आएगा वो प्लानिंग का ही फेल्योर है। ठीक है कि भी हम लोग कंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन चीजें भयावह होते टाइम नहीं लगते। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ये वायरस थोड़ा सा देर से आया है। अगर ये, लेकिन आप इसको ये मत समझिए कि ये चला जाएगा, बहुत तेज गर्मी आएगी चला जाएगा। ये नवंबर दिसंबर में जब वापस ठंड आएगी तब ये लौट करके फिर आएगा और भयंकर तरीके से आएगा। और अब चूंकि ये हमारे ह्यूमन इकोलॉजी में या इंडियन उसमें सब कॉन्टिनेंट में आ चुका है और हम लोगों के बीच में आ चुका है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये जिंदा रहेगा, कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। और किसी न किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये डोरमेंट स्थिति में रहा, थोड़ा बहुत भी जिंदा रहा, तो लौट करके ये अटैक करेगा और भयंकर तरीके से अटैक करने वाला है। तो हम लोग समझें इस चीज को, इस भयावहता को समझें। तो आप लोग आज रिवाइज कीजिएगा सारे 5 ईयर प्लान को, प्लानिंग को। नीति आयोग पे एक नोट्स बनाइएगा, एक नोट्स पूरा का पूरा 600 वर्ड का, यानी या यूं कहें कि 1000 वर्ड का एक निबंध जो है नीति आयोग पे आप लिखिएगा कि नीति आयोग ने किस प्रकार से एक इनोवेटिव इंडिया की बात की है, कैसे उसने कहा है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो भारत को बदल के रख देगा और एक बदले हुए भारत की तस्वीर हमारे सामने होगी। तो वो कैसा भारत होगा, हम कैसे भारत को चाहते हैं, और ये सारी जो कठिन परिस्थितियों से लड़ने में कैसे कामयाब होगा।